कक्षा 10 गणित के इस पीरियड में सभी छात्र एवं छात्राओं का एक बार फिर स्वागत है। आज हम 7.1 के कुछ और प्रश्न करते हैं। देखिए, तीसरा प्रश्न है, निर्धारित कीजिए कि क्या बिंदु 1, 5, 2, 3 और -2, -11 संरेखीय हैं। अब ये बिंदु संरेखी कब होंगे? इसकी एक विधि तो यह है कि जो अलग सूत्र आता है इसका क्षेत्रफल अगर शून्य आ जाएगा तो संरेखीय हो जाएंगे, लेकिन यहाँ पर हमें दूरी से सिद्ध करना है इसको कि ये संरेखीय है कि नहीं है। होता क्या है कि तीन बिंदु हमने लिख रखे हैं ए बी सी, इस ये प्लस ये बराबर ये होने चाहिए, यानी ए बी प्लस बी सी बराबर ए सी, या ए सी प्लस बी सी बराबर ए बी हो, कई कंडीशन बैठेंगी। तो एक कंडीशन देख लेते हैं, अगर वो सेटिस्फाई होती है तो संदेह होंगे, ना तो नहीं होंगे। देखिए, हम ए बी निकालते हैं पहले, ए बी इन दोनों बिंदु से, तो 2x2 - x1 का होल स्क्वायर अंडर रूट के अंदर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, तो 2 - 1 का होल स्क्वायर, 3 - 5 का होल स्क्वायर, 1 आ गया, यहाँ पे आया -2 हो गया, तो यहाँ 1 का वर्ग 1 और 2 का वर्ग 4 हो गया, अंडर रूट 5 मात्रक आ गई। अब हम बी सी निकाल लें, बी सी में कौन कौन से बिंदु आएंगे, ये -2 - 2 का होल स्क्वायर, -11 - 3 का होल स्क्वायर, -2 और 2 - 4 हो गए, और -11 - 3 हो गए -14, -4 का स्क्वायर 16 हो गया, -14 का 96 हो गया, 212 हो गया, 212 मात्रक ही आ गई। ठीक है, इसको लिख दें मात्रक। अच्छा, इसी प्रकार से सी ए निकाल लें, तो देखिए सी ए में यह है -2 - 1 का होल स्क्वायर, -11 - 5 का होल स्क्वायर, तो ये -3 हो गया, -16 हो गया, 3 का 9 हो गया, 16 का 2 56 हो गया, ये 265 मात्रक हो गया। अब हम इसको चेक करते हैं, यदि ए बी प्लस बी सी बराबर सी ए है तब संदेह होंगे, परंतु क्या हुआ, ए बी का अंडर रूट 5 है और बी सी का अंडर रूट 212 है, बराबर नहीं है 265 के बराबर अंडर रूट, तो इसलिए संदेह नहीं है। इसी प्रकार ए बी बी सी सी ए को बदल बदल कर रख कर देखेंगे, किसी भी स्थिति में संतुष्ट नहीं करेंगे, अतः बिंदु संदेह नहीं है। अब एक अगला सवाल है, चौथा, जांच कीजिए कि क्या बिंदु 5, -2, 6, 4 और 7, -2 एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं। तो देखिए क्या करेंगे, इसमें ए बी सी तीन बिंदु लिख लिए हमने और तीनों से एक त्रिभुज बनेगा, पहले दो भुजाएं निकाल लेंगे ए बी, फिर बी सी, फिर सी ए निकाल लेंगे, तो इसमें कोई भी दो भुजाएं बराबर आएंगी तो समद्विबाहु हो जाएगा, अन्यथा नहीं। तो देखिए ए बी निकाल लें, ए बी यह है 6 - 5 का होल स्क्वायर, 4 + 2 का, माइनस है तो प्लस हो जाएगा, ये तो 6 में से 5 गया 1 का स्क्वायर, 4 + 6 का स्क्वायर 1 + 36 √37 आ गया। इसी प्रकार से बी सी निकालेंगे, बी सी में क्या होगा, देखिए 7 - 6 का होल स्क्वायर -2 - 4 का होल स्क्वायर, ये हो गया 1 का स्क्वायर - 6 का स्क्वायर 36 + 1 √37 आ गया, ये भी 37 मात्रक आ गया। आप देखिए सी ए निकालते हैं, सी ए वाली हो जाएगी, तो 7 - 5 का होल स्क्वायर और -2 + 2 0 हो जाएगा, ये तो 2 का स्क्वायर और यहाँ 0 का स्क्वायर 4 √ का, तो 2 मात्रक आ गई। चूंकि ए बी बराबर बी सी है तो दो भुजाएं बराबर हो गए, इसलिए त्रिभुज दिए गए शीर्ष काय के हैं, समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं। यही हमें सिद्ध करना था, पूछ रहा था वो। तो आज के पीरियड में बस इतना ही, कल कुछ और सवालों के साथ उपस्थित होंगे। थैंक यू।